यार मैं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मुफ्त राशन योजना को मार्च तक बढ़ाया जाएगा। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। ये योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे। और होली तक लेकर के जाएंगे इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक अंत्योदय का जो कार्ड धारक है उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। हर अंत्योदय कार्ड धारक को, लेकिन साथ साथ राशन में चावल और गेहूं ही नहीं मिलेगा, अब उसमें दाल भी देंगे, तेल भी देंगे और नमक भी देंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को हर महीने चीनी भी देंगे। और भाइयों बहनों, पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को भी, जिसमें हर यूनिट पर 5 किलो मिलता है, अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो 35 किलो उस परिवार को ही मिलेगा, जिस परिवार में 5 लोग होंगे उस 25 किलो उस परिवार को मिलेगा, इसमें भी चावल और गेहूं भी मिलेगा। तो उन सभी परिवारों को भी 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न, 1 किलो दाल। मुफ्त राशन वाली योजना को होली तक बढ़ाया जाएगा, 15 करोड़ लोग हर महीने इसका लाभ लेंगे। अंत्योदय कार्ड धारक को राशन में 35 किलो चावल, गेहूं के साथ साथ दाल, चीनी, तेल और नमक भी मिलेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।